हेलो गाइस, तो एक बार फिर हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो। तो आज का जो अपने वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है आइडिया शेयर के ऊपर। तो आइडिया क्या यहाँ से ऊपर भागने के लिए रेडी है या फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर चालू रहेगी? क्या यहाँ से मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है? इन सारे लेवल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम लोग देखिए, अगर चार्ट पे देख पा रहे हैं अभी वीकली क्लोजिंग हो चुकी है और अभी जब इस वीक का एंड हुआ है तो इसने एक अच्छा खासा इसने अपसाइड दिखाया था, जिसने इसने 15 का हाई क्रिएट किया था। और जब यहाँ पे गया था तभी हमने बोला था अपने टेलीग्राम चैनल में कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेस्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। बात करते हैं यहाँ पे एक अच्छे खासे सप्लाई जोन के अंदर गया था, जहां पे एक ये सप्लाई जोन और एक ये सप्लाई जोन दोनों मर्ज अप करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी थी। और वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जो 15 रुपए पे शेयर ने 15 रुपए 50 पैसे का जो हाई बनाया था, वहां से शेयर गिर के लगभग 12 रुपए 65 पैसे आ चुका है। मतलब एक अच्छी खासी गिरावट आई है परसेंटेज के लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आज के मतलब इस वीक के अंदर ये शेयर 2 ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 3% डाउन था। अब यहाँ पे देखें कि आगे के सिनेरियोस के अंदर क्या बनते हैं। इसके अंदर हमें बुलिश तभी होना है जब 13 रुपए 55 पैसे या 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हमारे को इसके अंदर दोबारा एक मतलब इसके अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री अभी के लिए अवॉइड है। लेकिन जैसे ही 13 रुपए 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मतलब डेली के क्लोजिंग दे देगा 13 रुपए 55 पैसे या 60 पैसे पे, ठीक है, अपने को एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में अपने को 14 रुपए 35 पैसे, उसके बाद देखेंगे तो लगभग 14 रुपए 65 से लेकर 15 रुपए के लेवल दोबारा टच करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा आके, तो क्या ये यहाँ से दोबारा एक ब्रेकआउट देके सीधा यहाँ पे 19 रुपए और 20 रुपए होने वाला है? ये बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। ठीक है, क्योंकि अभी ये एक सप्लाई जोन जो बोले जो कि 16 रुपए के आसपास है, वो अभी तक अनटेस्टेड है और वो इसको ना रोके ऐसा मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी होने वाला है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वीडियो इस वीडियो के अंदर जो भी लेवल शेयर किए गए हैं वो टोटली एजुकेशनल पर्पस है। कुछ भी बाइंग सेलिंग करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा खासा हर्डल होने वाला है। हाँ, अगर फ्रेश बाइंग के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो एक ये वाला एरिया बहुत अच्छा खासा रेंज होने वाला है, ये वाला जो कि 11 के आसपास का है। यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है अगर कुछ भी बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार बाय करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। बाकी अपनी बाइंग करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना है आप लोग। बुली समय तभी होना है जब ये 13 रुपए 60 पैसे 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग मिलता है डेली। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।